सो हेलो एंड वेलकम टू दर्चुअल जाफीर अकेडमी एजुकेशन आज का लेक्चर क्लास एट्थ वालों के लिए है और ग्लोबल वार्मिंग uh, पे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थ्रीस्ट्रो ऑफ इन द्लो ग्लोबल वार्मिंग दैप्टर के अवाइल में लिखा है कि इंसानियत जो है वो कुदरती आफात जैसे कि सैलाब हो अक्स हो स्टॉम्स हो तूफान हो सुनामी हो इन चीज़ों से जूझती आई हुई है और उनके जो असरात हैं इफेक्ट्स ऑफ अ मैनस्ट्रोव दैट इज एविडेंट और इंसान के हरकतों की वजह से जो कैटेस्ट्रोफ्स आए हैं फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग इसके जो असरात हैं आपको देखने को मिल रहे हैं ऑलरेडी आप ये चैप्टर पढ़ें और जाने की कोशिश करें ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है और ये किस तरह से अर्थ को तब्दील कर सकता है तो ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल नॉर्मली आपको प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक वर्ड है जो दिखने को मिलेगा इसका सिंपल सा मतलब है कि जो एवरेज टेम्परेचर का जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही इजाफा हो रहा है और जिसमें अर्थ का एटमॉस्फेयर, ओशंस और इसके जो रिलेटेड एफेक्ट्स हैं इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे कि यानी कि अर्थ के जो ग्लोबल टेम्परेचर में जो इजाफा हो रहा है और जिसकी वजह से हमारे जो आट, आट, आ, हमारे जो समंदर है हमारे जो एटमोसफेयर है उस पर जो असरात पड़ रहे हैं उसको ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे पिछले सौ सालों की बात करें कि तो अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है अर्थ के जो जमीनी सतह का जो टेम्परेचर है वो जीरो पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और पिछले और इसका जो ज्यादातर हिस्सा है ज्यादातर जो हिस्सा जो बढ़ोतरी हुई है वो लास्ट तीस सालों में हुआ है और इसका जो वन ऑफ द मेजर रीजंस जो है हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है इट्स द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस और ये ग्रीन हाउस किसके वजह से हो रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जैसे कि जंगलों की कटाई और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह का जल के उससे जो धुआं निकल रहा है उससे ग्रीन हाउस ग्रीन गैस गैसेस इमेट हो रही है अब इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि सी लेवल जो है समुन्द्र की सतह चेंज हो रही है और हमारे जो बारिश के पड़ने का जो तरीका है वो भी चेंज हो रहा है और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं उसमें एक प्रॉबेबल एक्सपेंशन होने का ख़तरा हो गया है और ग्लोबल वार्मिंग के जो ज़्यादा असर आपको कहाँ ज़्यादा दिखने को मिलने की उम्मीद है वो है आर्कटिक सर्कल में क्योंकि एंड वो बी और उसके साथ क्या होगा कि इसका ज़्यादा असरा होगा जो ग्लेशियर्स पामाफ्रॉस्ट और सी आइस सी आइस यानी कि समंदर का जो बर्फ है ग्लेशियर्स और पामा हो गया कि बहुत ज़्यादा पुराने ग्लेशियर्स और दूसरी जो वा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इफेक्ट्स हैं उससे क्या होगा कि गर्म हवाओं का आना सूखा पड़ना बहुत ज़्यादा बारिशों का आना और कुछ ऐसे टाइप के जो नबाता है जानवर हैं Uh, उनका खात्मा होना स्पीच ड्यू टू शिफ्टिंग and एंड in इन एग्रीकलचरल yes. क्योंकि temperature चेंज हो रहा है और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रहा है हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब हम बरसर की बात करें तो हमारा जो हिमालयन रीजन है उसकी जो तकरीबन तैंतीस हज़ार स्क्वायर किलोमीटर तक क्या है ग्लेशियल कवरेज है यानी कि तैंतीस हज़ार स्क्वायर किलोमीटर्स पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसका ग्लेशियर्स का और इसी वजह से हमें वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है और हमारे यहाँ से कितना 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी निकलता है हर साल और जिससे पूरा तकरीबन एशिया के बहुत सारे मुल्क हैं वो इस पर डिपेंडेंट है जिंदगी पे कर, करोड़ों अरबों लोग चाइना इंडिया पाकिस्तान अफग़ानिस्तान नेपाल और बांग्लादेश मगर एक अननेचुरल नेचुरल यहाँ के रहने वाले अरबों लोगों की जिंदगी पे असर पड़ सकता है जैसे कि और ह्यूमैनिटी ब्लैक डेथ के बाद सबसे ज्यादा एक ख़तरनाक चीज़ से जूझने वाली है वायल्ड पीपल आर अभी भी लोग ग्लोबल वार्मिंग पे सिर्फ बहस वबासा ही कर रहे हैं मगर साइंसदानों और रिसर्चर्स में ये एक आम धारणा है कि ग्लोबल वार्मिंग के असरा ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और आने वाले वक्त में बहुत तेजी से बढ़ सकता है बीस साल पहले की अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग एक वेस्टर्न कंसेप्ट था क्योंकि ज्यादा जो टेक्नोलॉजी की वजह से फॉसिल फ्यूल्स के एमिशंस और वगैरह जो है वहां से ज्यादा हो रहा था और वहां का इन्वायमेंट काफी अफेक्टेड था बट नाव इसके जो असरात है वो अब आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे आज कश्मीर जैसी ठंड जगहों पे भी आपको ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट नजर आएंगे जम्मू कश्मीर की जो एक खुशी सी बात यह है कि छः परसेंट ऑफ जो हमारा एरिया है वो किसके अंदर है फ्रेश वाटर एको और जिसमें सब ट्रॉपिकल लेक्स आते हैं जम्मू के फ्लू फ्लड प्लेन लेक्स हैं कश्मीर के जैसे कि डल लेक या वुलर और हाई हाई अल्टीट्यूड हिमालयन रिंग्स जैसे कि सोमोर है हमारा पेंगोंग है और उसके बगैर पैरनेल रिवर्स है इंडस सिस्टम के जो पेरफरी से जो छोटी छोटी नहरें आती हैं वेटलैंड्स हैं हमारे पे मार्शी लैंड्स पॉन्ड्स हैं स्नोफेड स्ट्रीम्स हैं स्प्रिंग्स है स्प्रिंग रिजर्वर्स है तो ये सारा हमारा क्या बनाता है वाटर इकोसिस्टम बनाता है अब वाटर रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो स्लोली क्वालिटेटिव वाइज भी और क्वान्टिटेटिव वाइज भी उनमें काफ़ी ख़राबियाँ आ रही है और कह, कहते हैं कि आने वाले अवकात में जो जंगे होंगी वो पानी पर ही होंगी जो ग्लेशियर्स है जम्मू कश्मीर में बहुत ही तेजी से पिघल रहे हैं कंपेयर टू अदर एरियाज क्योंकि हमारा जो यहाँ का इको सिस्ट, है ये काफ़ी फ्रजाइल है सूरू बेसन की अगर हम बात करें तो 16% परसेंट के जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो चुके हैं और कोलहाई ग्लेशियर में भी यही 18% परसेंट जो हमारा जो ग्लेशियर है वो खत्म हो चुका है और जो कि कोलहाई ग्लेशियर की अगर बात करें तो कश्मीर वैली के जो मेजर पानी और आपाशी का जरिया है ये तो क्या हो गया है कि स्नोफॉल में कमी होने की वजह से के ग्लेशियर्स बहुत ही तेजी से घट रहे हैं और जिसकी वजह से इरिगेशन में प्रॉब्लम आ रही है और हाइड्रो पावर पानी की पैदावार में भी आगे आने वाले अवक़ात वा, में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी और स, तो सैलाब आने की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी बढ़ गई जिसका क्लियर एग्जाम्पल आपको 2014 में दिखने को मिलेगा कश्मीर में अब हम देखें कि जो अनप्लान तरीके से जिस तरह से शहरों का फैलाव हो गया है और जहलुम के इर्द गिर्द किनारों पर जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुई है तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है ज़्यादातर जो हमारे वेटलैंड हैं वो क्या होता था कि वहाँ पे सैलाब के दौरान पे हमारा जो पानी है वो सोख लेती थी बट जो हमारे जो ज्यादातर वेटलैंड हैं उन जगहों पे अब क्या बनने लगा है कंक्रीट की बिल्डिंगें बनी हैं तो पानी कैसे सूखेगा तो ये जो चैप्टर है ये बहुत सालों पहले लिखा गया और इस चैप्टर में जो कहा गया वो कश्मीर में बिल्कुल हुआ भी वैसे ही दो में सैलाब आए क्योंकि जो वहां पे जो और सबसे ज्यादा अफेक्टेड वही एरियाज थे जो जेहलुम के इर्द गिर्द जो कंस्ट्रक्शंस बने थे वो एक मेजर रीजंस थे और हमारे जो मार्शी लैंड थे वो बिल्कुल खत्म हुए थे तो पानी का जो एब्जॉर्ब होने का या बहने का जो तरीका था वो बिल्कुल ही डिसमेंटल हो चुका था जिस वजह से कश्मीर को बहुत बड़ा एक खामियाजा झेलने को मिला दो हजार में एक और फिनमिनन की अगर हम बात करें जो डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग पे डिपेंडेंट है वो रि, रिलेटेड है डिपेंडेंट नहीं है सॉरी उसके साथ जुड़ा है वो है बहुत ही तेज आंधियों का आना और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो फल हैं और हमारे जो क्रॉप्स हैं उन पे काफी असर पड़ा है और जिसकी वजह से बहुत सारे किसानों की जिंदगी खराब हो गई है कश्मीर में ही हैज़ बिन विटनेसिंग ड्रास्टिंग चेंज है और कश्मीर में ही अगर हम पानी का देखेंगे बारिश का जो प्रेसिपिटेशन है वो बड़ा ही चेंज हो रहा है और सीजनल चेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे कुछ कुछ जगहों पे इन प्रोसेस सम लाइक अर्ली स्प्रिंग जो है अर्ली स्प्रिंग का जो मौसम है वो टो, टो, टोटली लॉस्ट हो चुका है फॉर एग्जांपल एक नार्सेस नाम का एक एक फ्लावर होता है वो नॉर्मली आपको अर्ली स्प्रिंग में दिखने को मिलता था मार्च में बट आज के डेट में आपको जनवरी और फेबररी के टाइम पे भी वो आपको दिखने को मिलता है तो इससे क्या हो गया है कि जो सीजन के बीच में जो डिमार्केशन है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है जो फ्लावर्स और जो स्पीशीज आपको एक पर्टिकुलर सीजन में दिखने चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहे हैं और माइग्रेशन पे भी काफी असर हो रहा है जो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सीजन में नजर आते थे विंटर्स में वो साल भर नजर आते थे और जो किसी समर सीजन में अगर आपको नजर आता था वो आपको दिखने को नहीं मिले तो ये सारा सीजनल चेंजेस की वजह से हो रहा है और सीजनल चेंजेस किस पे डिपेंडेंट है ग्लोबल वार्मिंग पे तो हम यहां पे आज स्टॉप करते हैं और हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको कंटिन्यू करेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग लिसनिंगलकुम